नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी में, मैं पूनम आपके साथ। जुलाई के अंतिम सप्ताह में ऑफ एयर हुआ द कपिल शर्मा शो, अगले साल कर सकता है छोटे स्क्रीन पर वापसी। शो से जुड़े करीबी की माने तो कपिल और उनकी टीम सिर्फ 3 महीने का ब्रेक लेकर इसी साल के अंत तक लौटना चाहते थे। हालांकि कपिल के नए प्रोजेक्ट ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया। शो के करीबी सूत्र बताते हैं, जिस वक्त कपिल ने शो से ब्रेक लेने का फैसला किया था, तब वे सिर्फ 3 महीने के लिए ब्रेक चाहते थे। उस दौरान कपिल अपने इंटरनेशनल टूर में व्यस्त थे। कपिल की प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को ध्यान में रखकर चैनल ने उन्हें 3 महीने का ब्रेक लेकर नवंबर महीने में शो पर फिर से वापसी करने को कहा था। हालांकि इसी बीच कपिल ने मेकर्स को एक नया प्रोजेक्ट साइन करके झटका दे दिया। वे आगे बताते हैं, कपिल ने नेटफ्लिक्स के साथ एक कॉमेडी चैट शो साइन किया है जो कि तकरीबन 3 महीने तक चलेगा। नेटफ्लिक्स के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कपिल उनके अलावा किसी और टीवी शो का हिस्सा नहीं बन सकते। नेटफ्लिक्स के साथ कपिल की इस लंबी पारी को ध्यान में रखकर चैनल अब अगले साल के मार्च महीने में शो की वापसी करने के बारे में सोच रहा है। बता दें, द कपिल शर्मा शो का आखिरी एपिसोड 23 जुलाई 2023 को टेलीकास्ट किया गया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।